लगातार साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। एलविस यादव को स्नेक केस से रिलेटेड एक बार पूछताछ हो चुका है एंड फिर से एलविस यादव को पुलिस की तरफ से एक नोटिस भेज दिया गया है। इसके बारे में पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा आप देखिए। स्नेक रेमोन के एलविस यादव ने क्या कुछ अपडेट अभी तक? स्नेक एक मामला हुआ था कुछ दिन पहले जिसमें 9 स्नेक बरामद हुए थे और वेनम बरामद हुआ था। उस केस में अभी रिसेंटली पुलिस को 5 अभियुक्तों की पीसीआर मिली थी जो खत्म हुई और पुलिस ने फिर से पीसीआर के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा लगातार साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और ताकि विधिक कार्रवाई पूरी की जा सके। सर कुछ तथ्य भी मिले हैं अविश के खिलाफ? मैं इस बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकता, ये विवेचना का पार्ट है और सभी तरह सभी पहलुओं का जांच चल रही है। जल्द ही जो भी एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से जाते हैं। पीसीआर के सबकी ली गई कि स्पेशल राहुल की ली गई है? राहुल की ली गई, राहुल ही मेन अभियुक्त है। पूछताछ हम लोगों ने करी अभी जब 54 आवर्स की पीसीआर मिली थी तो हमने पाया कि मुख्यतः राहुल के पास है और चीजें मिल सकती है पीसीआर के लिए राहुल के लिए अप्लाई की गई है। एक डायरी की बात सामने आ रही है, एक डायरी मिली हुई और उस पर भी जांच चल रही है।